नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मोटिवेशन हिंदी स्टोरी में। तो आज की कहानी का टाइटल है राजस्थान के कोटा शहर की खौफनाक घटना। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी लेटेस्ट कहानी आपके यहाँ लाते रहें। तो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। जिंदगी एक पाई की तरह है दोस्तों, जो घूमता रहता है। जहाँ से चीजें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आकर थम जाती है, बिल्कुल उसी राह पर उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना से प्रेरित है। किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की कहानी है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहाँ मौत उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों राणा साहब एक बहुत अमीर और आलिशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया दोस्तों राणा साहब को, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा, जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी दोस्तों। वहाँ जो भी जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी और कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफना दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के ना होने की आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तो तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते उस हवेली में पहुँच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तो समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना होने लगती है, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियाँ अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन दोस्तों जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब हो चुका है तब वो लोग भी डर जाते हैं, लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों को समीर की बात मान ली डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारी कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते हैं तब तक कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम लोगों को क्यों मारना चाहते हो, तुम कौन हो, तुम राणा साहब की आत्मा? तब राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे, जो भी यहाँ आ गया है उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया था, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुँच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब ऊपर
राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ साथ वो सभी आत्माएं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों, जय हिंद।